सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को एक बार नमस्कार। क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? आवाज आपकी हमारे तक आ रही है? अजय प्रताप, सभी को एक बार नमस्कार। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जो सजेशन लिया है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने हेडफोन नहीं लगा रखा इसलिए मैं आवाज़ चेक कर रहा था। दूसरी बात यह है कि अभी आपको कुछ पूछना होगा तो मैं सुन नहीं सकता हूँ, मैं सुना सकता हूँ क्योंकि मैंने गर्मी की वजह से हेडफोन हटा दिया है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, कुछ पूछना चाहिएगा तो बेल नहीं बजाइएगा, नहीं डिस्टर्बेंस पैदा होगा, नंबर एक। और नंबर दो कि आप लोग जो हैं जो भी पूछना हो टाइप करिए, टाइप करिएगा। ठीक है, हम लोग अब थोड़े दिनों प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और ये प्रैक्टिस हमारी जो है हमको मजबूत करेगी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है छुट्टियों का समय है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग पूरी तरीके से मजबूत हैं, मीन्स बैकग्राउंड मतलब फैमिली के लिए समय देने वाले लोग हैं, तो हो सकता है जून में परिवर्तन का टाइम का परिवर्तन थोड़ा सा ज़्यादा हो कभी समय। लेकिन क्लास लेने से पहले मैं आपको ज़रूर ये बता दूंगा कि मुझे क्लास यानी कि 5 से 7 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि हमें क्लास कब लेनी है, तो इसमें आपका कोऑपरेशन मुझे चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कोई क्योंकि आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं कि हम भी छुट्टियों में समय घर पे आते हैं, इस समय मैं अपने घर पे आया हुआ हूँ और वहीं से आपको टीच करूँगा और वही अगर समय में थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू, और जब मैं आपको इन्फॉर्म करूँ तो बस उसी के अकॉर्डिंग, अगर नहीं भी आप आइएगा तो लाइव सेशन के बाद रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। फिलहाल कोशिश यही करूँगा कि नाइट में क्लास लूँ, अगर नहीं ले पाया तो फिर समय का परिवर्तन की आपको इन्फॉर्मेशन लगातार देता रहूँगा। पीजीटी सैम्पल पेपर्स बना बना करके और सेटअप बना करके मैं आपको डिफरेंट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन प्लस जो क्वेश्चंस अच्छे हैं उनका कलेक्शन सब मर्ज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा और इस कोशिश में मैं उम्मीद है कि हम लोग खरे उतरेंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको कहीं पढ़े हुए मिले क्योंकि हर जगह से कलेक्शन करना पड़ता है, तो ये चीज़ आपके मन में नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके की कि सर ये क्वेश्चन मैंने पढ़े हुए हैं, ये वहाँ के हैं, ये यहाँ के हैं। होंगे भाई, कंपटीशन है तो क्वेश्चन तो हर जगह से ये ही जाएंगे। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और पीजीटी में भी आ गया, बोले साहब ये तो जेई का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अगर एक आ गया कहीं धोखे से 4 क्वेश्चन फंस गए तो बोले नहीं साहब ये तो जेई के हैं। तो अब जेई में आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कहीं किसी और स्टेट की जो है पीजीटी में आया हो या किसी स्टेट की इंजीनियरिंग में आया हो, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को सहयोग के द्वारा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हमारा आपसे कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इसी सैंपल पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन बताइएगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला क्या होगा? इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला क्या होगा? जी, इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, बताइएगा क्या नाम है? इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, नाम बताइएगा क्या है? पानी दे जा बेटा एक बोतल में ठंडा। इनऑर्गेनिक बेंजीन को दूसरा नाम बोराजाइन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन तो लिखा ही हुआ है, वेरी गुड जगमोहन जी मनु, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोराजाइन, बोराजाइन भी इसको हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजाइन एक ही बात है, और ये क्वेश्चन क्या पीजीटी में आया हुआ है और आ भी सकता है, दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं जी बिल्कुल। भूमि, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन इसमें कैनिजारो रिएक्शन को इंडिकेट करती है, विच इज कैनिजारो। अब कैनिजारो के लिए क्या कंडीशन है बताएंगे, मैं देखो डिस्कशन करने के मूड में हूं। कैनिजारो के लिए कंडीशन है कि नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। देखो मैं आज हर क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा, और बोराजाइन का स्ट्रक्चर शायद 2013 में 2013 की पीजीटी में अगर लोगों ने दिया है तो बोराजाइन का फार्मूला भी पूछा गया था, जिसको आप लोगों ने इस तरीके से बेंजीन से रिगार्ड कर रहा था, बी ऐसे करके बी, फिर यहाँ पर एन, फिर यहाँ पर एन, और फिर यहाँ पर बी। आपको याद आया कुछ? फिर बाकी आप सभी से एच लगा दीजिए, एच लगाए थे आपने, और फिर अल्टरनेट बॉन्ड बना दीजिए, है ना, अल्टरनेट बॉन्ड बना दीजिए, बोरॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इस तरीके से बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन भी शायद समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर हो रही बात मेरी जी। आपने पूछा है कि बोराजाइन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे हम बोराजाइन को गर्म करते हैं, बोराजाइन को गर्म करने के बाद यहां से नाइट्रोजन निकलता है जी। जगमोहन जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं उनको एक बार इम्पोर्टेंट में जाकर के देख करके मुझे बताइए कि क्या आपने वो सभी क्लासेस देखी हैं जो मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिकॉर्ड में डाल रखी हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस में। एक बार आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी संतुष्टि होगी कि आपने मेरी बात को ध्यान दिया है जी। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको कुछ नहीं करना है, इसको यूनिट से पहचानिए, इसको यूनिट से पहचानिए कि इसकी यूनिट क्या है, पर मिनट है, और पर मिनट यूनिट जो होती है वो किसकी होती है बताइए भैया, ये पर मिनट यूनिट जो है वो किसकी होगी जी, फर्स्ट ऑर्डर की होती है, पर सेकेंड, पर मिनट, पर जो भी है आर। जी बिल्कुल सही, सही फरमा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड का हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर बी, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए समय से आराम से करिए, जल्दीबाजी प्रीति ना करो। द फार्मूला ऑफ द ब्राउन रिंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिंग टेस्ट, जब नाइट्रेट का रिंग टेस्ट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रिंग जैसा बन गया हो, और अधिकतर लोगों की टेस्ट हिल जाती है तो रिंग नहीं बन पाता है। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग रिंग बना लेते हैं, रिंग टेस्ट सभी से नहीं परफॉर्म होता है, बहुत कम लोग रिंग टेस्ट को परफॉर्म कर पाते हैं। अ ग्रीन रिंग इज फॉर्म्ड, है ना, आपको डार्क ग्रीन या ब्लैक भी बोल सकते हैं, रिंग इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड के बीच में एक रिंग का फॉर्मेशन होता है ना जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी फोर्थ वाले का जो जवाब है वो होना चाहिए आपका, एक तो नाइट्रोसो और उसके बाद पेंटाएक्वा, डार्क ब्राउन कलर का माना जाता है, डार्क ब्लैक ही दिखता है, ब्राउन रिंग होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट नाम ही उसका, नाम ही ब्राउन रिंग टेस्ट है। तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला जो है, यहाँ अगर अगर पेपर में ऐसे आ जाए भैया तो ये भी ध्यान देना कि बाहर ये टू पॉजिटिव ना हो के SO4 भी हो सकता है, क्योंकि वो नेगेटिव से बैलेंस हो जाएगा, तो यही एक होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन में अगर आप जानकारी चाहते हैं कि सर इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है, तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, पेन थोड़ा सेट कर लूं जी। हाँ, रिएक्शन की जानकारी भी ले लीजिए। सबसे पहले नाइट्रेट का है, तो नाइट्रेट जो होता है वो H2SO4 से
रिएक्शन कर लेता है ना, और रिएक्शन करके आपका HSO4 नेगेटिव, मैं रिएक्शन बना करके दिखाता हूँ, प्लस HNO3 बना लेता है, ये HNO3 बन गया। अब HNO3 का ही मान लीजिए जनरल है, हमने HNO3 बना ही लिया पहले, हालांकि इस रिएक्शन की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम लोग फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, दिस इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, और उसमें साइड से वॉल से H2SO4 डालेंगे, और उसमें नाइट्रेट पहले से ही होगा 2HNO3 मान लीजिए यही वाला है, दोनों रिएक्शन करने के बाद फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे, Fe2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, है ना, Fe2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, चार वाटर निकाल दीजिएगा और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड NO बन जाएंगे चार, बैलेंसिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हमने फेरस सल्फेट जो है ये तुरंत रिएक्शन करेगा बचा हुआ NO से, और वाटर तो उसमें एक्वस मीडियम होगा ही होगा, ये बना लेगा Fe H2O का, बताइए जगमोहन जी सही लिखा मैंने, H2O का होल 5 NO, ये बना लिया, और सल्फेट आयन को आप बाहर लिख सकते हो, दिस इज द एग्जैक्ट, और यू कैन ऑल्सो राइट Fe H2O का होल 5 NO को ब्रैकेट में डाल दो, NO है ब्रैकेट में डाल दो, फिर ऐसे डालो, यहाँ पर दो पॉजिटिव लगा करके भी आप लिख सकते हो, दिस इज द परफेक्ट रिएक्शन, आखिर की ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी PGTs में आया हुआ है, अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप तुरंत पेपर देखो, ये PGTs में आया हुआ है, बोरा जाइंग पहला वाला क्वेश्चन भी PGTs में आया हुआ है, ये भी PGTs में आया हुआ है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड ये भी PGT में खूब आया हुआ है, ये सब PGT के आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाले पर आ जाइए, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, फिफ्थ का आपने दिया था टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेरी गुड, बहुत सुंदर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है, शाबाश, ठीक है। उसके बाद सिक्स वाले पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक कौन सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जानते हैं आप, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हुआ कि अगर आप देखें इथेन मीथेन इनके कंप्लीट ऑक्टेट हैं, ठीक है, इथाइलीन में भी ये देखा गया है कि इलेक्ट्रोफाइल का करेक्टर थोड़ा कम होता है, जबकि एसिटाइलीन को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल यही माना गया, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए सेवेंथ वाले पर आइए, सेवेंथ क्वेश्चन पर आइए, इंपॉर्टेंट है UPPGT के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर जेड, जब दो अल्फा निकले तो नीचे चार यूनिट की कमी आती है, मतलब नीचे जो आना चाहिए वो दो अल्फा निकालेंगे ना, तो दो अल्फा का मतलब हुआ कि नीचे दो दूनी चार, बी माइनस फोर हो जाएगा, ऊपर ए माइनस एट हो जाना चाहिए, एक निकलता है तो चार की कमी होती है, और दो निकलेंगे तो यहाँ पर आठ की कमी हो जाएगी, सही है, उसके बाद एक अल्फा तो ऊपर कोई कमी नहीं होगी और नीचे एक की कमी होगी बी माइनस थ्री, जगमोहन जी आप सही कह रहे हैं कि एसिटाइलिन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एसिटाइलिन की कंडीशन ये होती है कि ट्रिपल बॉन्ड वो इसीलिए बना रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रोफाइल में, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इसको क्यों बोला गया, इथेन कंप्लीट ऑक्टेट मैंने बोला तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा,
और जबकि हम लोग एसिटाइलिन को लेते हैं तो एसिटाइलिन का करेक्टर सी डबल बॉन्ड की वजह से है, हाइड्रोजन ज़्यादा लग गए, जितना एलिमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट होता रहेगा उतना ही उसका बॉन्ड जल्दी मतलब ज़्यादा मजबूत होगा और हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी भी रखेगा, तो इसलिए वो बेटर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ही वो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ भाग रहा है, अदरवाइज वो नहीं भागता ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। चलिए आगे आइए, हम लोग बात कर रहे थे इसके आंसर की, नाइन्थ वाले का आंसर क्या होना चाहिए। आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कहीं फॉल्ट हुआ है। अगर मान लो हम आंसर को मैच कराएं, इनमें से कोई आंसर सेट नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए एक्स बी, एक अल्फा निकाल के देखें, एक अल्फा निकाल करके देखें। हाँ, एस करेक्टर से भी दीक्षा देख सकते हो। ठीक है, एक अल्फा निकाल करके देखिए बेटा जरा, एक अल्फा, यहां पर मैं बी ले लेता हूं, यहां ए ले लेता हूं, एक अल्फा निकालता हूं तो बन जाएगा ए माइनस फोर और बाई वन, अब बाई में नीचे आ जाएगा आपका बी माइनस टू, बाई बी माइनस टू, बाई बी माइनस टू। और अगर मैं यहां से फिर एक बीटा निकाल देता हूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका बी माइनस वन और जेड हो गया ए माइनस फोर, तो इसका मतलब फिर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस वन और ए हो जाएगा, ये डी होना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन डी होना चाहिए जी, मतलब वहां पर सही करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें सेवेंथ वाले क्वेश्चन पर आंसर तो मैच कर गया, हम वहां पर सही कर लेते हैं इसे, है ना, वहां डी कर लीजिएगा, वहां पर मतलब इसे सेट कर देता हूं, वहां एक अल्फा कर देता हूं तब आंसर सेट होगा। यहां पर एक अल्फा कर दे, ठीक, दीक्षा आपने लिखा है एक बीटा जाने पर एक ऐड होगा, जब ऐड होगा तो एक कम नहीं हो जाएगा, ये काहे भूल जा रही हो, जब एक ऐड करोगे तो बी माइनस वन हो जाएगा ना, इसमें बी माइनस टू प्लस वन तो बी माइनस वन ही तो होगा भाई। बीटा निकलने पर एक रह जाने का मतलब मैंने कहा कि एक ऐड जब करोगे आप तो वहां पर एक माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब अल्फा निकलता है तो दो यूनिट एटॉमिक नंबर, दो यूनिट कम होगा, दो यूनिट लेस, मास नंबर चार यूनिट लेस हो जाता है, बीटा पर एटॉमिक नंबर वन यूनिट प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और मास नंबर नो चेंज, ये चीज ध्यान दीजिए बस। ठीक है, चलिए आठवें क्वेश्चन पर आइए। एट्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन इज दैट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया,
बहुत ही अच्छा पूछा गया है क्वेश्चन। देखो पॉइंट डिफरेंस, द लेटर हैज मोर रिड्यूसिंग पावर, आपने बोला बाद वाला का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है एक बात। द फॉर्मर इज प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर पहली वाली बन सकती है। डिफरेंस पूछा है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, आप जवाब दे रहे हो द पॉइंट ऑफ हाइट डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग पावर तो दोनों की बराबर रहती है, हाइड्रोजन ही है दोनों ही, लेकिन दोनों डिफरेंस कहां से करेंगे, पहली वाले को आसानी से सेपरेट किया जा सकता, अलग किया जा सकता है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। एर्थ वाले का जवाब सी एग्जैक्ट, आप क्वेश्चन नहीं पढ़े जल्दी से, आपने आंसर दे दिया। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो मिलती हाइड्रोजन से ही है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर भी बढ़िया होती है। समझ गए, डिफरेंस पूछा है, मतलब आप समझ लो नेसेंट हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, फॉर्मर का मतलब हुआ नेसेंट हाइड्रोजन, फॉर्मर मतलब पहले वाली की बात कर रहा है, एटॉमिक हाइड्रोजन को हम लोग आसानी से सेपरेट कर पाएंगे, नेसेंट को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, वो तुरंत रिएक्ट कर जाती है, तुरंत रिएक्ट कर जाती है, ये समझना बात को, मैं जो बोल रहा हूँ एटॉमिक हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर लेते हैं, लिख रहा हूं मैं एटॉमिक हाइड्रोजन को आसानी से सेपरेट कर लेंगे ठीक है, जबकि नेसेंट हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होने के कारण इसको अलग करना मुश्किल है। समझ गए होगे अब बात, इज इट क्लियर, क्वेश्चन कम हो रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा चल रहा है। आइसोटोन्स हैव, नाइन्थ वाले का बताइए, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। टेंथ वाले का जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ, तो ये M1 है बेटा, यहां पर M1 कर लीजिए, मॉलिकुलर है, ठीक है, क्या होगा इसमें, नाइन्थ वाले का T1/T2 इज इक्वल टू M2W, ठीक है। टेंथ वाले में PB इज इक्वल टू NRT के फार्मूले से सेट कर लो, PB इज इक्वल टू NRT के फार्मूले से सेट कर लीजिए, तो आपको PB इज इक्वल टू NRT, मतलब जो है टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, 1/N हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो यहाँ पर T इज इक्वल टू K 1/N1 कर दो, तो T इज इक्वल टू K, तो ये हो गया आपका 1/W 1/M1, तो M1 ऊपर आ जाएगा T1 के सामने, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, रिस्पेक्ट में अपोजिट में जाएगा, तो टेंथ वाले का सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, सही है, डन, आई एम एग्री विद यू 100%। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है PGTs में, बताइए नियोप्रीन का क्वेश्चन बहुत आता है, जी बताएं, नियोप्रीन का क्वेश्चन बहुत आता है, सिंथेटिक रबर है,
नियोप्रीन इज ए सिंथेटिक रबर, यस और नो? ये एक सिंथेटिक रबर है। नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर, नॉट ए नेचुरल। और नियोप्रीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप जानते हो क्लोरोप्रीन बने बना लो, CH2 डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर Cl लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एक कम रह गया मुझे लग रहा है, 1, 2, 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1, 2, 3, हाइड्रोजन कम रह गया, ठीक है, इसका आप करा दो पॉलीमराइजेशन, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, जिसे हम लोग सिंथेटिक रबर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन उम्मीद करेंगे आपको पसंद आ रहे होंगे, बताइए क्वेश्चन। जगमोहन जी आप तो बड़ा धुरंधर आदमी है, दीक्षा बताओ, अनीता, भूमि, प्रीति, मनु, अनमोल, राजेश, सब लोग बताओ क्वेश्चन सही लग रहे हैं आपको। इन एक्वस सॉल्यूशन द मोस्ट स्टेबल सल्फेट, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। ऊपर सॉल्युबिलिटी जो होती है किसी भी सॉल्ट की दो फैक्टर पर गवर्न करती है, तो लैटिस एनर्जी और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। सल्फेट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के होते हैं, अगर इनको देखें तो लैटिस एनर्जी लगभग कांस्टेंट रहती है लार्ज साइज होने के साथ साथ और आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में, और जबकि बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लगभग डाउन पड़ती चली जाती है, डाउन पड़ती चली जाती है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर घटने का यंत्र ज्यादा चलेगा, तो 12वें वाले का जवाब क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, बिल्कुल सही, 12 का जवाब डी होना चाहिए। स्टेबिलिटी जो सल्फेट आयन की है ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब सल्फेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा ना भाई। हाइड्रेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है, हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट है वो बेरिलियम डाई पॉजिटिव से बेरियम डाई पॉजिटिव तक की तरफ डिक्रीज करता है, समझो, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी सल्फेट की डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी तो मोस्ट स्टेबल कौन हुआ, सॉल्युबल नहीं पूछ रहा है, मोस्ट स्टेबल कौन हुआ, मोस्ट स्टेबल तो यही हुआ ना, सॉल्युबल नहीं पूछ रहा है, स्टेबल पूछ रहा है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई तो स्टेबल कौन हुआ, स्टेबल तो नीचे ही वाला होगा ना, सॉल्युबिलिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप उसे सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुझे जो अनुमान लग रहा है। सॉल्युबिलिटी जब घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है जी। सेमी वाटर गैस इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13 वाला। सेमी वाटर गैस को हम लोग सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं, और सिंथेटिक गैस को अगर आप नोट कर पा रहे हो तो उसमें सब चीजें मिल जाती हैं, सब चीजें मिल जाती हैं। 13 वाले को देखिएगा, सब चीजें मिल जाएंगी। सिंथेटिक गैस, सेमी वाटर गैस बोल दिया ना, एक्चुअल में क्या होता है, सिन गैस होती है, सिन गैस समझ लो, सिन गैस होती है CO+H2। प्रोड्यूसर गैस, CO+N2 होती है। सेमी मतलब पूरी तरीके से इसके अंदर सिंथेटिक करेक्टर नहीं है, तो CO भी होगा, N2 भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, तो मतलब आंसर सी होगा, नोट कर लो कहीं पर फटाक्स, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत दमदार लेकर के आया हूं आज, ऐसा नहीं कि हल्के नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ रही होगी, ऐसा नहीं कि आप सब क्वेश्चन सही कर दे रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सब सही क्वेश्चन कर दे रहे हैं तो अपने आप को धन्यवाद दे लीजिए।
ठीक है, चलिए 15 पे आइए जी, 15 पे आइए और 14 पे आइए। ओजोन व्हेन रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर लिख लो, रिएक्शन लिखो कहीं पर 2KI। मैं से बोलता था अपने पढ़ते हुए जमाने में, तू क्यों आई? तो एक दोस्त था हमारा, वो लिखता था आई तू, तू क्यों आई, आई तू तो भाई। चलिए बहुत याद है दीक्षा, यही तो मेरी तारीफ थी कि लोग मुझे बहुत क्लास में चाहते थे, एमएससी तक मुझे लोग छोड़ते नहीं थे, मुझे अभी भी याद है। चलिए तो आंसर क्या लगाऊं, 14 का आंसर क्या लगाऊं, गलत लिखा है मैंने सही लिखा है पहले ये बताओ, 14 का डी लगाऊं? वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल, बहुत सुंदर गुड़िया रानी, बड़ी सियानी, पीती दूध बताती पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा, कौन नहीं देगा? पंद्रह का बी, फिनॉल नहीं देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत सुंदर, धमाका, बहुत सही जी। द मेन डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल, बताइए फैट एंड ऑयल में मेन डिफरेंस क्या है? ऑयल जो होते हैं ग्लिसराइड होते हैं फैटी एसिड के, लो मॉलिकुलर मास होता है, हाँ? तो 16 का जवाब क्या आना चाहिए? मैंने हिंट आपको दे दिया है, ऑयल्स आर ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड, सही है, लो मॉलिकुलर मास, ये दोनों बातें सही है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, तो मुझे तो सब लग रहा है सही है। ऑल आर द डिफरेंसेस, ऑल आर द डिफरेंसेज, इस डिफरेंस ही लिखे हैं फैट से। जिंदगी एस्कॉर्बिक एसिड इज वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉरी वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हा, कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद तो फिर मेरा पूरा उम्मीद है कि एसिड वाटर आना चाहिए, वाटर, वाटर के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एसिटाइलिन आना चाहिए। 18 का जवाब ढूंढिए, 18 का जवाब ढूंढिए, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल सही है, एल्कोहल से ज्यादा वाटर है, ये भी सही है, एल्कोहल एसिटाइलिन से ज्यादा, ये भी बिल्कुल सही है, आई एम 100% राइट, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। अभी रुको यार, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आपको यहां दिख रहा होगा LiAlH4 दिया है और इसका काम होता है रिडक्शन करा देना, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दे, एस्टर है एक, तो बेंजाइल एल्कोहल बना लो और एक बना लो आप उसमें एल्कोहल, और एल्कोहल तो यहां से बनेगा तो मिथेनॉल बनेगा, तो बेंजाइल एल्कोहल प्लस मिथेनॉल, बी लगा दीजिए खट से, बी लगाइए।
एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफरेंस किससे कर सकते हैं? टॉलेंस रिएजेंट से कर सकते हैं, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथाइलीन होता है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। सॉरी टेट्राफ्लोरोइथाइलीन में बोल रहा हूँ और रहा हूँ लिख और कुछ रहा हूँ इसीलिए कभी कभी डाउट हो जाता है। टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ऐसे ही एक जगह कहीं पर पायराडीन और फ्यूरॉन वाले पे सही आंसर बोला था मैंने लेकिन अंडरलाइन कर गया दूसरा, तो किसी ने मुझसे पूछा भी था सर आपने वो बताया तो कुछ और था। तो कभी कभी ध्यान दिया करिए, बोली पर भी ध्यान दिया करो। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कंटेन्स, ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? एक दो तीन चार पांच छह दुनी 12 सिग्मा हो गए, चार पाई हो गए 13, 14, 15, तो 15 सिग्मा आएंगे यहाँ पर। 22वें वाले क्वेश्चन में देखिए, चेक करिए, मेरे हिसाब से 15 सिग्मा 4 पाई आना चाहिए। 15 सिग्मा भाई 6 दुनी 12 और आपके 13, 14, 15 सिग्मा हो गए, पाई 1, 2, 3 और 1, 4। अरबाज 15 सिग्मा 4 पाई और 4 पाई पे बिछाई और फिर लेट गए गर्मी में, चार पाई और फिर बिछाई और फिर गर्मी में लेट गए। अमंग द फॉलोइंग द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कौन सा इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग, तो जो नॉन आइडियल होते हैं वही एजियोट्रॉपिक बनाते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, और नॉन आइडियल का एग्जांपल हमें यहां पर केवल CCl4CHCl3 दिख रहा है, ए होना चाहिए 23 वाले का, 23 वाले का जवाब ए होना चाहिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं, ध्यान दो, ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यही होगा ना, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, यार ऐसी बुद्धि लगा लो थोड़ी सी, ये दोनों पोलर हैं, ये दोनों पोलर हैं, ये नीचे वाले भी पोलर हैं, इतनी तो बुद्धि लगाई दो यार, इसमें कौन सी ज्यादा ट्रिक लगानी है। 23 वाले का ए है, फाइनल है। चौबीस, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मैंगनीज डाई पॉजिटिव है, यही होता ही है बिल्कुल, 50 बार याद किया होगा आपने। टू मेक अ पेंटिंग ओवर द ग्लास वी यूज, हम लोग फ्लोरीन यूज करते हैं, फ्लोरीन से ही वो की जाती है ना व्हाइट व्हाइट जो डिजाइन बन जाती है, स्टिचिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं। विच हैज द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, 26 वाले का बताइएगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पार्टिकल पे डिपेंड है, तो सुक्रोज में कोई आयन नहीं बनेगा, NaCl में 2 बनेंगे, CCl2 में 3 बनेंगे, ग्लूकोज में भी कोई आयन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एग्जांपल CaCl2 होगा, डिप्रेशन ज्यादा आएगा, आई की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी यहां पर, मोर आई वैल्यू आएगी यहां पर, मोर आई वैल्यू, सही है ना, मोर आई वैल्यू, लेस मोर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीएफ जो है वो ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा।
सही है 27, द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसओ टू, एसओ टू की शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। 27 सी वी शेप है, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन है, वी शेप एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। 27 का जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मैग्नीशियम के सल्फेट या कैल्शियम के सल्फेट होते हैं, तो यहां पर डी होना चाहिए, 28 वाले का डी होना चाहिए, 28 का डी, डन। चले आगे बढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हैविंग द डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट इज सेपरेटेड बाई विच मेथड, डिफरेंट गैस को हम लोग सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग करते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट इज सेपरेटेड बाई विच मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, पोस्ट वर्ल्ड का वेकर मेथड नहीं है, मेटाथेसिस नहीं है, एटमोलिसिस मानी जाती है। एटमोलिसिस के द्वारा ही हम लोग डिफरेंट मॉलिकुलर वेट वाले एटम्स को सेपरेट करते हैं, ए होगा, मेटाथेसिस नहीं है। 29 वाले का जवाब आप सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 29 वाले का ए आएगा, डिफ्यूजन मेथड बोलते हैं इसको, एटमोलिसिस बोलो, ठीक है, यही है, डिफ्यूजन मेथड भी बोलते हैं इसको। द मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत आया है ये क्वेश्चन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास को 6 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपने पूछा मेटाथेसिस क्या होती है, मेटाथेसिस का मतलब मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है, देखिए मेटाथेसिस का मतलब होता है किसी भी गैसियस मिक्सचर के, जो गैसियस मिक्सचर होता है उसको हम लोग सेपरेट करें, केवल गैसियस मिक्सचर को सेपरेट करें, लेकिन कह रहा डिफरेंट मॉलिकुलर वेट वाले हों, एक मॉलिकुलर वेट वाले हों तो मेटाथेसिस, डिफरेंट वाले हों तो एटमोलिसिस। चलिएगा इसका जवाब दीजिएगा, 30 वाले का दो आ रहा है दीक्षा, कैलकुलेट करके देखिए, नहीं आ रहा हो तो मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूं। भाई एक एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम होता है, ग्राम में कन्वर्ट करो पहले, 9.1 × 10⁻²⁸ हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके चार्ज से, और चार्ज कितना, वो नंबर से, एक मोल है ना, ये चार्ज हो गया, तो 9.1 × 6.022 × 10⁻³, यहाँ माइनस का 28 और यहाँ इंटू प्लस, मतलब जुड़ जाएंगे 10⁻², तो 28 हो, ये जोड़ दो 23, तो 5 बचा, और 5 में यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 54 यानी 55 के आसपास आएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केपी इज ग्रेटर देन केसी, तो केपी केसी से, तो यहाँ क्या होता है, केपी इज इक्वल टू हो जाता है केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन, अगर डेल्टा एन की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो 1 कहां पर आएगी, यहां पर तो आने से रही है ना, यहां पर आ जाएगी, ये सी 31 का सी आ रहा है, नहीं 31 का सी में भी नहीं आएगी, इसमें तो और कम हो जाएगी, इसमें भी कम हो जाएगी, ये प्रोडक्ट ज्यादा, यहां आएगी डी आएगा ऑप्शन, डेल्टा एन की वैल्यू है 2, 1, 3 में से, हाँ यही आएगा, यही आएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू 3 − 2 = 1, यहाँ आ रहा है 1 − 2 = −1,
यहाँ आ रहा है 2 - 2 = 0, यहाँ आ रहा है 2 - 4 = -2, तो यहीं पर सबसे ज्यादा आ रहा। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 1, 2, 3, 4 ब्यूटा, 1, 2 डायन, ब्यूटा 1, 2 डायन चुड़ैल, डायन बीटा 1, 2 डायन आ गई। ये भी क्वेश्चन पीजीटी में धमाकेदार आता है, पीजीटी क्वेश्चन। बताइए द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एस्पिरिन का केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, आता है पीजीटीज में, हाँ बोलो या ना बोलो, पीजीटीज में बहुत आया है आज तक की डेट में कम से कम 6 बार। अभी बिहार स्टेट का, बिहार स्टेट का पेपर हो जाए फिर आपको दीक्षा ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, कहोगी सर ये हमसे नहीं हो पाएंगे, बाद में कहोगी सर क्या पीजीटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अभी कह रही हूँ बहुत इजी है। सब तरीके की प्रैक्टिस जरूरी है, इजी, टफ, वेरी टफ, मोस्ट टफ, टफेस्ट। O2 एंड O3 आर एक दूसरे के एलोट्रॉप्स नहीं है, क्या ये आइसोटोप्स हैं या एलोट्रॉप्स हैं? 34 वाले का बताओ, एलोट्रॉप्स है ना, बिल्कुल 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बाद क्या बनता है? एनायन बनते हैं, एनायन ही बनेगा ना, एटम थोड़ा बन जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक के बाद एनायन ही बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकाल लो इसके, 36 वाले के, 36 का डी आना चाहिए, 7 बनेंगे, निकाल करके देखिएगा, सब लोग मुझे भेजिएगा, बनाऊं? देखो नंबर 1 OH है ना, तो एक तो CHO वाला बनाओ, CH3 CH2 CH2 CHO, चेक करो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 2, 5, 6, 7, 1, 8 हो, 8 हो गया, ठीक हो, सही है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कर लो ऐसे, यहाँ CH कर दो, यहाँ भी CH3 कर दो, आगे CHO कर दो, 2 हो गए। फिर आप एक कीटोन बना सकते हो, CH3CO, फिर आपका यहाँ पर C2H5 ले लो, एक ये बन जाएगा। एक आप एल्कोहल बनाओ, डबल बॉन्ड वाला ऐसे वाला बना लो, और एक बार सेकंड नंबर पे ले लो ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड बना लो, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए। अब इसी में वेरिएशन और लाओ, यहीं पर और जोड़ो, तो एक ये भी हो सकता है, ऐसे कर लो, और अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो ये भी बन जाएगा, फिर एक ये भी बन सकता है, डबल बॉन्ड यहीं रखो और ऐसे कर दो, यहाँ पर वो लगा दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल आएगा सर, हैं? ठीक है, चलिए इसके बाद आइए, विच हाइड्रोजन हैलोजन हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की होती है, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जर्मिसाइडल, जो किल कर देता है ना, बैक्टीरिया वायरसेस को जो किल कर देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयोडाइड KI होता है ना, आयोडीन ही के अंदर ये प्रॉपर्टी ही है, तो आयोडीन वाला ही जवाब दीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ द PO बॉन्ड्स इन P4O10, ये बना करके देखो आप, P4O10 में PO बॉन्ड कितने हैं, 16 होना चाहिए, 16
16 चेक करें, चलिए चेक कर लेते हैं, बना करके डायग्राम चेक हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं पी, पी यहां लिख दिया, फिर ऐसे करके ओ, ठीक है, फिर यहां पर एक पी, फिर यहां पर एक ओ, फिर यहां पर एक पी, ऐसे यहां पर पी ओ पी ओ, ऐसे करके लिख डालो, ये भी पी ओ ओ ओ हो गया, ऐसे हो गए। अब बचा क्या, इन दोनों को फिर एक कनेक्ट करो, ऐसे ऐसे इन दोनों को फिर ऐसे कनेक्ट कर दो, हो गया पी फोर ओ टेन। इसमें चेक कर लो, जो पी ओ सिंगल बॉन्ड है वो तो आपके एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हो गए, और बारह और तीन हो ये पंद्रह, ठीक सोलह हो जाएंगे टोटल, बारह और चार वो हैं सोलह हो जाए। सोलह ही हैं, चलो डन कर दिया भाई। चालीस पे आ जाइए, चालीस द पीएच वैल्यू निकाल दो इसकी, पीएच बारह चौदह में से बारह ही आएगी, चालीस का देखो बारह आएगा, फट से सिंपल दिख ही रहा है, दो टेन डेसर माइनस टू है तो टेन डेसर माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, वो ट्वेल्व हो जाएगा केवल, और ट्वेल्व की पीएच टेन डेस पावर ट्वेल्व की पीएच बारह ही आएगी। द हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल्स आर कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल में रखे जाते हैं, बिहार स्टेट में आ सकता है वो। 42 वाले का जवाब देखो, 42 वाले 40, इस वाले का जवाब देखिए, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ही अच्छी रिड्यूसिंग पावर होगी, और नेगेटिव वैल्यू है बी वाले की ज्यादा, तो इसका मतलब ऑर्डर होना चाहिए बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। बी फिर सी फिर ए, बी ही होगा आंसर, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैविंग द एटॉमिक नंबर 24, सब कोई जानता है, दुनिया जानती है, ए होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। विच शोज मैक्सिमम प्रोटेक्टिंग पावर, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर किसकी होती है, तो जिलेटिन की प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, याद रखना पड़ेगा आपको। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अरेंज लार्ज प्लेट्स स्ट्रांगली ना, तो मेरे हिसाब से तो 45 का जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, फ्री हो जाता है, और इसी वजह से वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करता है जी। विच पॉलीमर इज यूज फॉर कोटिंग कुकिंग वेयर, टेफ्लॉन को यूज करते हैं, टेफ्लॉन यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, प्रोपेन नहीं बन सकता, ऑड नंबर कार्बन नहीं, प्रोपेन मीथेन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, 47 वाले में मीथेन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा भाई, प्रोपेन नहीं बनता ठीक है, लेकिन कम अमाउंट में तो बनता है, है ना, ब्यूटेन इथेन तो बनना है, लेकिन प्रोपेन भी लेस अमाउंट में बनता है, मिक्सचर के फॉर्म में बनता है, मीथेन तो कतई नहीं बनेगा। 48 वाले पे आ जाइए, द हीट ऑफ कम्बस्चन ऑफ मीथेन, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन, इसकी सबकी दे रखी है, निकालिए भाई इसको सब लोग, 48 वाले को निकालो, इन दोनों की वैल्यूज को आपको इससे 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा, निकाल लेंगे आप 48 वाला निकाल लेंगे या निकाल करके दिखाएं, 48 वाला निकाल पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं निकाल के बताऊं आपको, चलिए मैं निकाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए CH4 को आपने तोड़ा है,
O2 के साथ में बनाया CO2 प्लस 2H2O। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अभी आप इजी वे में चलिए। देखिए सबसे पहले बुद्धि का काम ये करना है, आप समझिए, मैं आपको तरीका बताता हूं, जुगाड़ बता देता हूं, आ जाएगा आंसर। देखो मीथेन का ये है रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कॉमन हो गया, ये वैल्यू तो रहेगी रहेगी, इससे कोई मतलब है नहीं हमारा, इस वैल्यू को घटाना है और इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है, लेकिन इन दोनों वैल्यू को जोड़ोगे तभी जब वाटर हमें दो डबल करना पड़ेगा, तो यानी कि 94 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 94 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और दो दो चौकाट दोने में 18, 188 में जोड़ दीजिए आप इसको और इन दोनों को जोड़िए आप 68 माइनस के साथ, तो ये हो गया आपका 0.4 है, ये 0.0 है, ये 4 हो गया, 8 8 16 6, यहाँ से लगा 1, 9 6 15 5, यहाँ से लगा 1, 256, तो माइनस का 256.4 आ गया है, ठीक है। और इसमें से आप जो हैं ये वैल्यू, ये जो आपको दिखाई दे रही है 18 पॉइंट समथिंग 18 पॉइंट दिख रही है ना, इस वैल्यू को जो है वो आप क्या करिए, ये सही काम किया है मैंने, इन दोनों को ऐड करना है ना, ठीक किया है मैंने काम, वाटर को मल्टीप्लाई करना था, वाटर कौन सा था, ओ हो वाटर ये वाला था, वाटर को मल्टीप्लाई करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी। तो ये हो गया आपका 94, तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 2 × 68.4 माइनस में है ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 94.0, माइनस का 2 4 8, 2 8 16 और 1 17, 2 6 12, 1 13, तो ये हो गया आपका 137। अब इसमें जोड़ो तो 0.8 ये हो गया, 7 4 11 के 1, हाँ से लगा 1, 9 3 12 13 3, हाँ से लगा 1, 231 में से घटाइए, माइनस का कर दीजिए 18 18.4, तो लगभग 212 ए आएगा जी, ए आएगा, हटा लीजिए, यही आ रहा है, चेक हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 18 घटाना है वही बचेगा, 12 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ 4 बचा, 11 में से 8 गया, लगभग वही 8 3 11 हो गया, और यहाँ पर 2 वही लगभग, यही आंसर ही, दूसरा आंसर ही नहीं है यहाँ पर, है ना, ये हो गया आपका ए, 2 में से 1 गया 1 बचा, और यहाँ पर आपका 2 हो गया, 213 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यही आएगा ही, 213 तो आंसर भी नहीं है। नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बिसाइड्स AlCl3 इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बिसाइड्स AlCl3 द अदर रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, सी होगा ना, 49 का सी और 50 का यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट डीवाई होती है, या कूलम मीटर भी बोलते हैं, ठीक है, कूलम मीटर या डीवाई, ठीक है, चलिए जी, I hope to all of you.